जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से स्कूल कॉलेजेस पढ़ाई सब बंद हो चुकी हैं। तो बच्चों की बेसिक नॉलेज बने रखने के लिए हमारे तरफ से छोटा सा माध्यम है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि UKG एंड LKG इंग्लिश वर्कशीट, तो यहाँ पे आज हम बताएंगे UKG एंड इंग्लिश के वर्कशीट के बारे में छोटे बच्चों के। तो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ पे आता है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप पे नेम एंड एनिमल दैट बिगिंस विथ ईच अल्फ़ाबेट। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट है उनके अकॉर्डिंग एनिमल्स के नेम लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए फॉर आंट, ए फॉर आंट, आंट से एनिमल्स नेम में चींटी आती है, तो हमको क्या करना है, बच्चों को समझाना है। ए फॉर आंट होगा, बी फॉर बटरफ्लाई होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप अपनी तरफ से उनको और भी जानवरों के नाम बता सकते हैं जिस वजह से आपको इजी लगे। सी देखिए नीचे आता है, सी फॉर कैट, सी फॉर कैट मतलब बिल्ली। तो अल्फ़ाबेट में जितने भी मतलब वर्ड्स के अकॉर्डिंग जानवरों के नाम होते हैं आप उनको इजीली बता सकते हैं। तो ऐसे ही हमें सारे कर लेने हैं A to Z तक, इसमें ते जाना है, बच्चों को इजीली समझाना है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं हम। मैच द कैपिटल लेटर टू द स्मॉल लेटर। इसमें हमें क्या करना है, बड़े अक्षरों को छोटे अक्षरों से मैच करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एन को जो कैपिटल अक्षर है उसको स्मॉल लेटर से मिलाना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैच कर दिया है, मिला दिया है। देन सेकेंड आता है ओ, ओ को भी मैंने स्मॉल लेटर से मिला दिया, यू कैन सी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। देन पी को भी मैंने स्मॉल लेटर से ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, मैच कर दिया है। देन क्यू आता है, तो क्यू भी हमने ऑलरेडी मैच कर दिया है। ऐसे ही हमें क्या करना है, बहुत सारे जो भी A to Z होते हैं उसमें से हमको क्या करना है, अपने बच्चों को एक कॉपी लेनी है, उस पे मैच मेंशन ऐसे करा के सिखाना है कि कैसे आप स्मॉल टू कैपिटल लेटर कर सकते हैं, कैपिटल टू स्मॉल लेटर मेंशन मैच करा सकते हैं। एन आते हैं ला, थर्ड एंड देन थर्ड स्टेप आता है सर्कल द लेटर इन दिस न्यू दैट इज द बिगिनिंग साउंड ऑफ द पिक्चर। इसमें हमें क्या करना है कि जो बच्चे हैं उनको ऐसे समझाना है कि जो पिक्चर के अकॉर्डिंग वर्ड्स हैं कैपिटल लेटर हैं उन पे सर्कल करना है। तो हमारा पहला आता है रेन, रेन में हमें देखना है कि इसका कैपिटल लेटर क्या है। तो रेन में कैपिटल लेटर आर आता है, तो आपको आर में से या टी में से अपने बच्चों को दिखाना है कि इनमें से बताओ कौन सा सही होगा। तो वो आर बताएंगे, तो आर पे आपको सर्कल कर देना है। देन सेकंड स्टेप सेम प्रोसेस आता है कि इसके पिक्चर के अकॉर्डिंग इसके साउंड पे सर्कल करना है। तो इसमें से आप अपने बच्चों को दिखाएंगे कि क्लाउड की स्पेलिंग में कैपिटल लेटर कौन सा होगा, पी होगा कि सी होगा। देन आपको सी पे सर्कल करना है, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्कल कर दिया है पहले से ही, तो आपको सही आंसर ऑलरेडी पता चल जाएगा। देन सन आता है जिसमें हमें सन का देखना है कि इसके सन के साउंड में कैपिटल लेटर एस आ रहा है कि ओ आ रहा है, जो भी आएगा उस पे आपको सर्कल कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एस इसका कैपिटल लेटर है, इस पे हमको सर्कल कर देना है, हमने ऑलरेडी यहाँ कर दिया है। देन सेम प्रोसेस आता है। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड फोर्थ स्टेप पे हम चलते हैं, यूज ऑफ एन एंड एन। यहाँ पे हमको क्या करना है, जब भी हम यूज ऑफ एन एंड एन करते हैं तो बच्चों को समझाना है इसमें वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट की यूज के अकॉर्डिंग इजली हम कर सकते हैं। तो वॉवल्स में ए ई आई ओ यू ये आते हैं, देन कॉन्सोनेंट में बाकी जो भी अल्फाबेट हैं वो आते हैं। तो हमें पहले चेक करना है कि कॉन्सोनेंट या वॉवल में कौन सा है। तो जैसे हम फॉर एग्जाम्पल बॉल, बॉल में क्या होगा, ये कॉन्सोनेंट में आता है, तो इसमें यहाँ हम ए लगाएंगे, तो ए बॉल। फॉर एग्जाम्पल सेकंड में आता है अम्ब्रेला, तो यहाँ यहाँ वॉवल्स में ए ई आई ओ यू आ रहा है, तो यू
वॉवेल्स है तो इसमें एन लगेगा। तो ऐसे आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, कॉन्सनेंट में ए लगता है एंड देन वॉवल्स जिसमें आते हैं कैपिटल लेटर्स में, उसमें एन लगाया जाता है। ऐसे ही आपको इजिली प्रोसेस में ये सब समझाना है। देन इसमें क्या करना है आपको, सेकेंड स्टेप में भी ए गॉट, इसमें भी आपको देखना है कि ये कॉन्सनेंट में आ रहा है तो इसमें ए लगेगा हमारा पहला कैपिटल लेटर। ऐसे इजिली प्रोसेस पे हम आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। देन आता है फिफ्थ स्टेप, यूज ऑफ दिस एंड दैट। इसमें क्या करना है हमें, दिस एंड दैट का प्रयोग करना है, जिसमें इज ए फ्लावर, फ्लावर जैसे कि आप देख रहे हैं फ्लावर नियर है इसके, तो यहाँ पे हमें दिस लगाना है। और इज ए हाउस, हाउस थोड़ा डिस्टेंस पे है तो हमें यहाँ डैट का प्रयोग करना है। जो भी चीज़ हमारे नियर अबाउट है उसमें हम दिस लगाएंगे, जो भी चीज़ हमारे डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, वहाँ उस पे हम उस सेंटेंस में हमें दैट लगाना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ आ रहा है इज एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भी डिस्टेंस पे है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे लगेगा दैट। और इज एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे हमारा आइसक्रीम थोड़ा नियर है तो हमें यहाँ दिस इज एन आइसक्रीम, तो यहाँ पे हमें ऐसे करना है। देन सिक्स स्टेप आता है मैच द अपोजिट वर्ड्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टॉल शॉर्ट अप डाउन बिग स्मॉल कम गो फास्ट स्लो, ऐसे ही करके हमें बहुत सारे मैचेस कर लेने हैं अपोजिट वर्ड में, उल्टे शब्दों में। थैंक यू, आई होप आप सब लोग को समझ आया होगा।